हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्निश विथ रेनू। जैसा कि मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं जल्दी ही आपके साथ गाजर के हलवे की एक और रेसिपी शेयर करूंगी, वो भी क्विक एंड इन नो टाइम। तो लीजिए, आज मैं हाजिर हूँ एक और रेसिपी लेकर। आज की रेसिपी हम बनाएंगे मिक्सी में। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, आज की हम रेसिपी बनाएंगे मिक्सी में, जो कि बिल्कुल फास्ट होने वाली है हमारी रेसिपी। तो आप यह आज का वीडियो शुरू से आखिर तक जरूर देखें। जो फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं, वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास ही में जो बेल बटन बना है उसे जरूर हिट करें, जिससे कि मेरे आने वाले इजी वीडियोस की जानकारी उन्हें सबसे पहले मिले। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम सामग्री देख लेते हैं कि गाजर के हलवे के लिए हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ मैंने आधा किलो लाल गाजर ली है, एक कटोरी हम दूध लेंगे, एक कटोरी से कम हम शक्कर लेंगे, आधा कटोरी के लगभग क्रीम लिए मैंने, ये हमारी रेगुलर की दूध के ऊपर की मलाई है, और मिक्स्ड ड्राई फ्रूट्स लेंगे हम। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्विक रेसिपी ऑफ गाजर का हलवा। इस रेसिपी में भी आपको अपने हाथ दुखाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज हम गाजर का हलवा मिक्सी में बनाएंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, गाजर का हलवा हम आज मिक्सी से शुरू करेंगे। गाजर को मैंने अच्छे से पानी में धोकर छील लिया है। अब हम इसके रफली थोड़े बड़े बड़े टुकड़े काटेंगे। गाजर को हमें इस तरह से रफली बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेना है, हमें बहुत ज्यादा बारीक नहीं काटना है, थोड़ा बड़ा बड़ा ही हम रखेंगे, क्योंकि उसके बाद हमें इसे मिक्सी में चर्न करना है। चलिए, तो इस तरह से हम सारा गाजर इस तरह से थोड़ा बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेते हैं। देखिए, गाजर को हमने अब रफली बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। अब हम इसे मिक्सी में डालकर दरदरा पीसेंगे। गाजर को अब हमने मिक्सी में डाल लिया है, अब हम इसे मिक्सी में चर्न करेंगे। हमें इसका पूरी तरह से पेस्ट नहीं करना है, थोड़ा दरदरा ही रखना है। देखिए, गाजर को हमने दरदरा पीस लिया है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। हमें एक साथ पूरा गाजर नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके ही हम करेंगे। एक साथ करने पे इसका बहुत ज्यादा बारीक पेस्ट हो सकता है। हमने दूसरा लॉट भी अब पीस लिया है। ये देखिए, हमारा हाथ बिल्कुल भी नहीं दुखा है और हमारा गाजर का मिश्रण तैयार है। ये जो कुछ छोटे टुकड़े दिख रहे हैं, ये हम कुक करते टाइम मैश कर लेंगे तो हो जाता है। तो देखिए, इस तरह से हमें दरदरा इसको करना है। जिस तरह हमने हमारे लास्ट वीडियो में फास्ट और क्विक रेसिपी के लिए कुकर का यूज किया था, इसी तरह हम इस बार भी कुकर ही यूज करेंगे। 3 से 4 छोटे चम्मच हमने यहाँ घी लिया है। अब हम इसमें हमारा क्रश किया हुआ गाजर डालेंगे। गाजर डालकर हमें कुछ देर इसे भूनना है। गाजर का थोड़ा कलर चेंज हो जाए तब तक हम इसे भूनेंगे। ये रेसिपी हमारे लास्ट वीडियो से भी फास्ट होने वाली है, क्योंकि इसमें हमने गाजर क्रश कर लिया है। लास्ट रेसिपी में हमने टुकड़े करके फिर उसको कुकर में भूना था। अब मैंने यहाँ पर इसमें शक्कर डाल दी है। हमने एक कटोरी दूध लिया था, उसका हमें आधा कटोरी दूध डाल रही हूँ यहाँ पर। इसे हम मिक्स करेंगे। इसे अब हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसके कुकर की लिड लगाकर इसको 2 विसल देंगे। कुकर की हमने लिड लगा दी है और इसे अब हम 2 विसल देंगे।
अब हमारी दो विसल्स हो गई है, अब हम गैस ऑफ कर देंगे, कुकर थोड़ा ठंडा हो जाए फिर हम इसको ओपन करेंगे। कुकर अब ठंडा हो गया है, मैंने लिड खोल लिए, देखिए गाजर अब कुक हो गया है। अब हम इसका हलवा बनाएंगे। यहां हमने एक कढ़ाई गरम करने रखी है, इसमें हम हमारा कुक किया हुआ गाजर का मिश्रण डालेंगे। इसी में हम हमारा ये आधा जो हमने दूध रखा था वो डाल देंगे। हमारी जो क्रीम थी वो भी हम मिला देंगे इसमें। अब हम इसे मिक्स करके पकाएंगे। ये जो आप पानी पानी सा देख रहे हैं इसमें, ये गाजर के जूसेस हैं और शक्कर का पानी है। अब हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ये सब सूख ना जाए। ये जो थोड़े मोटे पीसेस दिख रहे हैं इन्हें हम क्रश कर देंगे। देखिए आज की रेसिपी हमारी और भी ज्यादा आसान हो गई है। यहां हमें ज्यादा मैश करने की भी जरूरत नहीं है, पहले से ही ये दरदरा है, एकदम परफेक्ट टेक्सचर इसका हलवे का आने वाला है। हमें सिर्फ इसे रिड्यूस करना है। मैं अभी हाई फ्लेम पर इसको रिड्यूस कर रही हूं, आप चाहे तो लो हीट पर भी कर सकते हैं अगर आप हाई हीट पर कुक कर रहे हैं। अगर आप हाई हीट पर इसे कुक कर रहे हैं तो आपको नॉनस्टॉप इसे चलाना पड़ेगा क्योंकि ये नीचे से कभी जल भी सकता है। तो चलिए हम इसे रिड्यूस कर लेते हैं पूरी तरह। पांच मिनट में ही देखिए हमारा हलवा किस तरह से सूखने लगा है। इसे इसी तरह लगातार चलाते हुए हमें कुक करना है, बस और पांच मिनट और ये बिल्कुल अब तैयार है। दोस्तों अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वहां जो लाइक का बटन है नीचे उसे जरूर प्रेस करें, और अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दें, और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर करें व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे। अब मैं इसमें थोड़े से हमारे सूखे मेवे, मिक्स सूखे मेवे है वो मैं मिला रही हूं। हलवा बस बिल्कुल रेडी होने वाला है। देखिए फ्रेंड्स पांच ही मिनट हुए हैं और हमारा हलवा अब एकदम तैयार है। अब मैं इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डालूंगी। अब हम यहां पर गैस ऑफ कर देंगे। हलवा एकदम परफेक्टली रेडी है, इसने अपने साइड्स छोड़ दिए हैं। देखिए कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, इसका बहुत ही सुंदर कलर आ गया है। अब ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स अब मैंने आपके साथ मेरी दोनों ही गाजर के हलवे की क्विक रेसिपी शेयर की है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, ट्राई जरूर करें। हलवा अब हमने सर्विंग बाउल में निकाल लिया है, इसे हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स के साथ और थोड़ा गार्निश करते हैं। लीजिए हमारा गाजर का हलवे की क्विक रेसिपी बिल्कुल तैयार है। आप भी इसे जरूर ट्राई करें और रेसिपी के कमेंट में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यह हलवा देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि इसे हमने मिक्सी में और कुकर में बनाया है, एकदम परफेक्ट हलवा स्टाइल विद ब्यूटीफुल कलर। आवर हलवा इज रेडी, लेट्स एंजॉय। स्टे ट्यून्ड विद गार्निश विद रेणु।